औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है, छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है, उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है, जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है, फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज? मंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज देखा जाए तो औरंगाबाद और रोहतास जा रहे हैं। इसको देखते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। विजय सिन्हा ने यहां साफ कहा है कि बिहार में अराजकता की स्थिति फैली हुई है, देखा जाए तो आपराधिक घटना हो रही है, लोगों को टपका दिया जा रहा है। तो वहीं विजय सिन्हा ने आगे कहा है कि पदाधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, धमकी दी जा रही है। क्या ऐसे ही विकास होगा नीतीश कुमार जी? विजय कुमार सिन्हा ने यहां साफ कहा है कि कॉलेज बनाने की बातें आपने कही थी औरंगाबाद में, तो वहीं किसानों को लेकर तमाम बातें कही थी। क्या कुछ हुआ किसानों का, क्या कुछ हुआ कॉलेज का? आपने तो अभी तक कॉलेज भी नहीं बनवाया, कैसे मुंह दिखाइएगा नीतीश कुमार जी? आपकी यह विदाई यात्रा है, समाधान यात्रा नहीं है। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, वो सुने आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के किसानों की कमर तोड़ औरंगाबाद को ठग कर आप पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। नीतीश जी, अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहां त्रेतायुगीन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहां किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं, उसका समाधान कब होगा ये आपको बताना चाहिए, वहां की जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नीति आयोग द्वारा पिछले बजट सत्र में औरंगाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्रस्ताव की मांग की गई थी, वह आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अहर्ता रखते हुए भी वंचित रह गया। आपकी उदासीनता के चलते ही अब तक औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय का लाभ नहीं मिल सका है। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है, छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है, उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है, जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है, फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज? रोहतास का भी हाल वही है, पूरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहाँ नल जल योजना का काम सिर्फ 50% हुआ है, उसमें भी 80% फेल है, बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरवा चावल पर रोक लगाकर यहाँ के किसानों की जीविका ही खत्म कर दी। लाखों की लागत से इन्होंने अरवा चावल मिल शुरू किया था, आपने ही तो नीति बनाया था, वही पॉलिसी को फिर बदल करके सरकार का द्वारा जो प्रावधान अरवा चावल की कुटाई होगी, आपने उस प्रावधान को बदला, लेकिन बाद में उसना चावल का फरमान जारी कर करके आप इस मामले को, हमने दिसंबर के विधानसभा सत्र में भी उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, उसरा चावल का लाभ कुछ आपके ही चहेते लोगों को देने के लिए। तो आपने सुन लिया, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर सवाल खड़ा करते थे। विजय सिन्हा का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वादा किया था, वह वादा नीतीश कुमार ने नहीं पूरा किया है, उनकी यह अंतिम यात्रा है, विदाई यात्रा है, पश्चाताप कर ले अपनी तमाम बातों का। प्रतिक्रिया जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिया था, जिस तरीके से वादा किया था, उसका पश्चाताप कर ले, तो वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पाप किया उसका पश्चाताप कर ले। क्या कुछ कहते विजय सिन्हा, आपने सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ मरण है। बहुत बहुत धन्यवाद।